हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। तो क्या हाल है आपके? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो यार देखो, टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, आपको पता लगेगा कि वीडियो किस पर होने वाली है। तो ये वीडियो उसी टॉपिक पर होने वाली है जो हम काफी दिनों से सुने जा रहे हैं कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। टिकटॉक 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 लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि शुरू कहाँ से हुआ। तो मैं उनको बताऊंगा कि शुरू कहाँ से हुआ और ये खत्म कहाँ पर जाकर हो सकता है। तो फटाफट वीडियो शुरू होने से पहले एक वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर दो कि आप क्या बोलना चाहते हो ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में। एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तो बकचोदी। ये सारा सीन शुरू हुआ है एल्विश यादव से। एल्विश यादव आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने वीडियो देखी शुरू, जो कि एल्विश यादव ने एक वीडियो डाली थी, सारे टिकटॉक के ऊपर रोस्ट किया था। तो उसमें से कुछ दो तीन जनते हैं जिनको ये बात हर्ट हो गई, मतलब जो होनी नहीं चाहिए थी लेकिन हो गई। एक बंदा YouTube का आया मसीहा बन के कि मैं संभालूंगा YouTube को, मैं संभालूंगा YouTube को, चल बजड़ी के घुस गया। उसने एक वीडियो बना दी जो कि उसने सारे यूट्यूबर को लपेट लिया, लेकिन उसको पता नहीं था उसका तो होने वाला क्या है। तो इसी चक्कर में उसने सबको टैग कर दिया, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली एंड उसने सबको टैग कर दिया कि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, सबको टैग कर दिया कि तुमसे अच्छे हम टिकटॉकर हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि टिकटॉक पर इतना टैलेंट नहीं जितना यूट्यूब पर है। यूट्यूब वाले मतलब तो 15 मिनट की वीडियो यार मैं भी बना लेता हूँ, मतलब बनाता हूँ इतना, मतलब वो सीरियसली लेता है इस चीज को मैं। चल बजड़ी के बढ़ते हैं आगे। तो आगे हुआ ये कि उसने वीडियो बना दी, वीडियो बनाने के बाद हुआ क्या, उसने टैग कर दिया एंड उसके बाद उसको उसी की वीडियो पर गालियां पड़ रही हैं। ठीक है, तो उसी की वीडियो पर उसके गालियां पड़ रही है कि उसके जो फैंस जो उसके टिकटॉकर पर हैं, टिकटॉक पर हैं एंड जो इंस्टाग्राम पर, वही उसको सपोर्ट नहीं कर रही बल्कि उसको गालियां पड़ रही हैं वहां पे। तो उसने वो वीडियो हटा भी दी, लेकिन हटाने से पहले वो वीडियो पहुंच गई कैरी मिनाटी देखो तक। मुझे कोई शौक नहीं है इनमें बार बार माथा फोड़ने का, लेकिन जब खुद ही कोई झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूं कि कुछ ना करूं। फिर उसने एक ऐसी चीज बनाई कि उस बंदे की उसने फाड़ के रख दी 1 सेकंड में। डीके व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दैट्स योर बॉय आमिर सिद्दीकी लाइव ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम, के अंदर से खोल के बजा देंगे तुझे, पता भी नहीं चलेगी। मतलब ये जो वीडियो बनाई ना 13 मिनट की वीडियो में उसकी ऐसी उतारी है कैरी मिनाटी ने, मतलब वो वीडियो मेरी फेवरेट है अब तक की कैरी मिनाटी की। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वीडियो मेरी नहीं सबकी फेवरेट है। और वो भाई है जो फाड़ के निकल गई थी वीडियो, इतने सारे व्यू, इतने लाइक, और सब मोस्ट लाइक वीडियो होने वाली थी यूट्यूब पे पूरे वर्ल्ड में, नॉन म्यूजिकल वीडियो। ओके, अब तो हुआ क्या, फिर पता नहीं कुछ सीन, तो मेरे हिसाब से जो सीन हुआ है और जो मैंने सुना है उसके हिसाब से ये हुआ कि उस वीडियो की वजह से उसको बहुत गालियाँ पड़ी, उसको इतनी गालियाँ पड़ी कि मतलब कोई हिसाब नहीं। तो थोड़ा हेट फैल रहा था, उस चक्कर में यूट्यूब ने अपनी गाइडलाइंस बोलकर उसको ब्लॉक कर दिया। सिर्फ उसकी नहीं, लक्ष्य चौधरी और एल्विस यादव की भी वीडियो डाउन कर दी। और आमिर सिद्दीकी ने बोला कि कैरी मिनाटी ने गाली दी है करी मिनाटी ने, गलत बोला है, ये बोला है, जेंडर के ऊपर बोला है, ऐसा बोला है, वैसा बोला है, कैसा कुछ नहीं है। आप पहले ये सुनो, उसके बाद बताना कि आपको कौन सही लगता है। ये बंटा है, मतलब आज मेरी भजी है तो तुम लोग मजे ले रहे लेना। सही है ले लो, मजे ले लो, दोस्त लोग ही है तुम लोग, दोस्त लोग। कि वो कैरी है तो भाई कोई भगवान नहीं है, कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है। बट इसकी बहन की चूत, अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस करेंगे अपन। और बाकी रमजान था, इसके लिए चुप बैठा था, गाली गलौज नहीं कर रहा था, लेकिन अब करूंगा मैं रमजान के बाद, जो ट्रैक रेडी कर रहा हूँ ना उसके लिए। तो ये भड़वे को बताऊंगा मैं कि भोसड़ी के तू गाली जो दे रहा है ना, वो गाली में PhD करके बैठे हम लोग ने, तो इसके कान से खून निकाल के इसकी नई माँ छुदाना। मेरा नाम आमिर नहीं, वीडियो में पॉइंट देने ही नहीं वाला हूँ ना, सिर्फ गाली दे रहा हूँ ना मैं भड़वे को। उसको तो ऐसी ऐसी गाली दूंगा ना बंटा है, उसको तो मैं सीधा यही बोलने वाला हूँ, तेरी माँ को क्या कुत्ते ने चूना रखा जो तू कुत्ते की तरह भोंकते रहता है यहाँ पे यूट्यूब पे भड़वे। और फिर ये ये सुनने के बाद आपका डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि गाली किसको बोलते हैं और सेंस ऑफ ह्यूमर किसको बोलते हैं, है ना, एंड कौन सही है कौन गलत, मेरे को बोलने की जरूरत है नहीं। लेकिन अब एक वीडियो और देखो जो कि कैरी मिनाटी की वीडियो डाउन होने के बाद रिकॉर्डिंग लीक हुई थी, ये भी सुनो। छोटा मोटा गेम नहीं करने का
कैरी की वीडियो और लक्ष्य की वीडियो दोनों उड़ गई है अभी, और काम चालू। ये सुनने के बाद एक चीज बता दूं, मैं इतना बुरा तो है नहीं उनमें कि वो कैरी मिनाट की वीडियो डाउन कराएंगे, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मेरे को पता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों बार बार मतलब लीक की जा रही है, ताकि यूट्यूब से कोई आए उनके बारे में कुछ बोले एंड उनको और उठा दे, तो वो Wait a minute. Who are you? उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद एलविस यादव की वीडियो वापसी आ गई, लेकिन कैरी मिनाटी की वीडियो नहीं आई है, ठीक है। फिर कैरी मिनाटी ने एक वीडियो और डाली, जो कि उसने बोला कि मेरे वीडियो में सिर्फ, जो कि जेन्युइन बात है कि उसने अपना एंटरटेनमेंट के लिए बनाई थी वीडियो, रोस्ट बनाया था, ठीक है, लेकिन लोगों ने उसको गलत ले लिया, तो वो उसके चक्कर में पूरा हेट फैल गया पूरे टिकटॉक पे, क्योंकि आप लोगों ने देखे होंगे डायलॉग में मैं बोलूंगा तो क्या पता मेरी वीडियो भी ब्लॉक हो जाए, तो मैं डायलॉग वायलॉग में बोलूंगा। एंड उसके बाद में इस ये जो वीडियो है ना कैरी मिनाटी की, इस पर भी ऑलमोस्ट 7.7 लाइक मिलियन लाइक आ चुके हैं, ठीक है, तो ये तो इंडिया की तो बन चुकी है, अब थोड़े दिनों में पूरे वर्ल्ड की बन जाएगी, ऐसी कोई बात है नहीं। कैरी भाई पूरा सपोर्ट आपको हमारी तरफ से भी, सबकी तरफ से, ठीक है, तो आपकी वीडियो तो हम पहुँचा के रहेंगे एंड खतरनाक है जो भी है। तो ये सीन यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद में सिर्फ एक बंदे की वजह से पूरे टिकटॉक वालों की लग गई, एंड उसका जो रिव्यू था 4.5 का वो घटकर 4.3 आ चुका है। अब आ गई कि वो बैन भी हो सकता है टिकटॉक इंडिया के अंदर कभी भी, कोई पता नहीं है, अभी मैं वीडियो डालूं एंड वो बैन हो जाए, मतलब तलवार लटक रही है टिकटॉक के ऊपर, कभी भी कट सकता है वो, और ऊपर से वो चाइना का ऐप है, ठीक है, समझ रहे हो ना, चाइना जहाँ से कोरोना आया तो वहाँ का ही ऐप है। तो आप मेरे को बताओ कि आप किसको सपोर्ट करोगे यार। देखो मैं तो कैरी मिनाटी को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। मैं टिकटॉक तो मैंने बाद में देखा, सबसे पहले मैं यूट्यूब देखता था, यूट्यूब में मैं भुवन बाम, बीबी की वाइन और कैरी मिनाटी को देखता था हमेशा से, और देखता भी रहूंगा, तो मेरा फेवरेट तो कैरी मिनाटी ही रहेगा, ठीक है, तो मेरा फुल सपोर्ट कैरी मिनाटी को ही है। एंड आप लोग किसको सपोर्ट करने वाले हो फटाफट मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। और एक चीज़ तो रह गई, और ये ख़त्म पता कहाँ होगा, और लास्ट में वीडियो जरूर देख के जाना, ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे को कमेंट करके बता देना कि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट।